पोस्टेड में डॉक्टर ने कैंसर बताया है, जहाँ भी बताया है वहाँ वो सर्जरी नहीं कर पाएंगे डॉक्टर, यहाँ तक जांघों तक आपको कष्ट आ गए होंगे जी, बैठ नहीं पाता हूँ है ना जी, ये यहाँ से यहाँ तक जी बहुत तकलीफ, जांघों तक कष्ट आ गए, सब फैल गया, कैंसर ही यही है जी, भयंकर फैला हुआ। राम गुरु जी, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए गुरु जी। मैं 10 जुलाई को मुझे पोस्टेड में डॉक्टर ने कैंसर बताया है, फिर मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया जौनपुर रहती है, वो एक साल से आपके यहाँ आके नमन कर रही है। दरबार नहीं बताया था कि कैंसर है प्रोस्टेड जी, डॉक्टर ने बताया था, मेरी मैंने बहन को फ़ोन किया, बहन जौनपुर से यहाँ आती है, एक साल हो गया उसको, नमन कर रही है, और उसने मुझे लेकर आया यहाँ पे, आज सुबह वो चली गई और मेरे डॉक्टर ने कैंसर बताया और बवासीर है और लिंग में बहुत दर्द हो रहा, बाथरूम आती है तो जहाँ भी बताया है वहाँ वो सर्जरी नहीं कर पाएंगे डॉक्टर, जहाँ पर कैंसर है आपको जी डॉक्टर वहाँ सर्जरी नहीं कर पाएंगे जी, वहाँ जुगाड़ ही नहीं सर्जरी का। पोस्टेड में बताया गुरु जी उन्होंने, अभी तो प्रोस्टेड बताया, जब खोलेंगे, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ गुरु जी। बहन मेरी बोली कहीं नहीं तुम सीधा कानपुर आओ, हम यहीं मिलते हैं बाबा जी के दरबार में, तुम सीधा यहीं आए गुरु जी। बात आँखें बंद करो, क्या नाम है आपका? आनंद कुमार। बहुत बुरी तरह फैल गया, तब आप आए आनंद जी, 10 जुलाई को ही पता चला, बहुत बुरी तरह फैल गया, और केवल आपके प्रोस्टेट में नहीं, आपके रेक्टम में भी फैल गया है, लंग्स में पहुंच गया है, ब्रेन में पहुंच गया है, और ब्रेन में मल्टीपल ट्यूमर्स हैं, और सर्वाइकल में भी आ गया है, यहाँ भी गले गर्दन के पीछे, आँख खोल लीजिए है ना, लीवर में भी गांठें आ गई हैं जी, तो ऐसे तमाम रेक्टम में भी, आपके गुदा द्वार में भी आ गया है जी, दर्द बहुत है जी, हाँ वहाँ भी कैंसर फैल बहुत गया दर्द है। ऐसे तो बहुत बुरी तरह कैंसर आपका फैल गया है, फेफड़े में भी चला गया है, यहाँ तक जांघों तक आपको कष्ट आ गए होंगे जी, बैठ नहीं पाता हूँ जी, ये यहाँ से यहाँ तक जी बहुत तकलीफ, जांघों तक कष्ट आ गए, सब फैल गया, कैंसर ही है ये जी, भयंकर फैला हुआ, क्योंकि लगता फटेंगी, फट रही है जी सर, फटन होती है, ऐसा है, ऐसे ऐसे सड़न होगी जी, पूरे प्राइवेट पार्ट में धीरे धीरे सड़न आ रही है जी। कोई बात नहीं, ये दरबार की ओर से एक असाध रोगों के लिए महाहवन है, एक दिवसीय, अच्छा जी, इसको संकल्प लेके करना। कहाँ रहते हो? दिल्ली। दिल्ली में जी, दे दो बेटा, दे दो। गुरु जी पत्नी हमारी आई 3 दिन से बेहोशी की हालत में है, जब से दरबार में आई पड़ी हुई है, बैठी है पीछे। कहाँ है? पीछे हो गए, बुलाइए, आ जाओ, देखें कहाँ बेहोश, आके नहीं खोले, 3 दिन सोए जा रही, सोए जा रही। गुरु जी तुम्हारे कष्ट हैं जो उनसे निकलते हैं, कोमा वाली कंडीशन हो जाती थी, जैसे अर्ध कोमा में है, जगाओ तो जागे नहीं, इनमें भी कैंसर फैल रहा है। कैंसर तो ऐसे फैला हुआ है जैसे फोड़ा फुंसी, जैसे पहले लोगों को फोड़ा फुंसी होती थी, ऐसा कैंसर फैला हुआ। प्रणाम गुरु जी।
इनको ही फैल रहा है कैंसर। आप जो ये संकल्प करना, ये महाहवन दोनों लोग का संकल्प लेकर करना, ठीक है। सुनते सुनते सो जाते हाँ। वही कह रहे, कोमा में चली जाती, अर्ध कोमा में। अब कल इतना आंखें बंद करो बेटा, आंखें बंद करो, इनको बाहर निकाल ले जाए शरीर पीछे में। ओम शिव से कौन कर रहे, पीछे वाले सब जो जा रहे हैं कोमा में सब बाहर निकाले जाएंगे। शिव बेहोशी वाले सब सेवकाओं खिला दे, उच्चाटन 5 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय, जागृति रखी जाए। नमः शिवाय। आँख खोल लो, बंधन की चोक में बैल। अब जरा चलो फिरो, अब देखो कैसा लग रहा है। आप खड़े बहुत ज्यादा है सर। आप होश में हो, आप होश में हो, ऐसे लग रहा है। सुन बाबा, आप सुनने लग रहा है कहीं? अभी है। आंख बंद करके गहरी गहरी श्वास लो 3 बार। अभी एक बार डांट दे, आप होश में आ जाएंगे। हाँ, अब तो नींद नहीं लग रही? नहीं, अभी तो नहीं लग रही। ठीक है, खुश रहो। पूरा शरीर बन गया था पक्का फोड़ा, बिल्कुल जो पका हुआ फोड़ा। दर्द कुमारी बर्दाश्त नहीं होत, बैठा नहीं जाता। चलिए फटाफट अपना करिए, मां हूं ना, 7 लोगों के लिए।